राधे राधे फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि बहुत 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 ही अच्छे होंगे। आपके अपने YouTube चैनल नीलम मिश्रा ब्लॉग में स्वागत है फ्रेंड्स। तो आज का ब्लॉग हम जो प्रयागराज संगम के साथ ही शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए जो जवारे हैं काफ़ी अच्छे उगे हुए हैं, और यहाँ का जो माहौल है काफ़ी सुंदर सा है, और जो गंगा किनारे जितने भी क्लबवासी लोग हैं इस टाइम पे, सभी का ऐसे ही कुटिया बना हुआ है, और सभी लोग काफ़ी अच्छे से अपना रह भी रहे हैं यहाँ पर। एक महीने बहुत ही सौभाग्य से गंगा माता का जैसे स्नान और दान पुण्य का मौका मिलता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये भी कोई क्लबवासी ही हैं, बैठी हुई हैं अपने जो और रहते हैं जहाँ जिसमें टेंट के बाहर। तो अब यहाँ पर ससुर जी और सासू माँ दोनों लोग जा रहे हैं पंडा जी को दान देने के लिए, तो क्योंकि स्नान वगैरह हो गया है और आज है एकादशी का दिन, तो फिर वस्त्र वगैरह भी दान में देंगी। तो फिर जा रही हैं सासू माँ, और आज एकादशी है, दिन है मंगलवार, तारीख 20 है, और आज का ही ये ब्लॉग है फ्रेंड्स। तो आप लोग ब्लॉग को फुल एंजॉय कीजिएगा, और क्योंकि मिट्टी के काम भी काफ़ी हम दिखाए हुए हैं, जो दीवार वगैरह का लिपाई पुताई काफ़ी ख़राब हो गया था दीवार, तो उसका लिपाई मुझे बहुत ज़रूरी था, तो नीचे नीचे का जितना दीवार था पूरा ख़राब हो चुका था, तो उसको भी हमने ठीक किया हुआ है। और यहाँ पर पंडा जी को दान दे रहे हैं सास और ससुर हमारे, और फिर इसके बाद से फ्रेंड्स और वीडियो पे बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक देकर फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कीजिएगा फ्रेंड्स, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे विलेज ब्लॉग देखने के लिए, और घंटी को दबाकर बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले। और यहाँ पर दान वगैरह हो चुके हैं फ्रेंड्स, उसके बाद लेने के बाद यहाँ देख सकते हैं आज का दिन मंगलवार है, तो ससुर जी आए हुए हैं हनुमान जी का दर्शन करने, तो आप लोग बने रहिए वीडियो पे। और इलाहाबाद प्रयागराज से जो हनुमान जी हैं उनका दर्शन चलो दुख दूर करें। और यहाँ पर फ्रेंड्स मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग के इस टाइम पे ठीक 7 बज रहे हैं, और घर के अंदर जैसे रूम के अंदर का जो काम है सब फिनिश हो चुका है, लेकिन चाय अभी नहीं बनाए हैं क्योंकि थोड़ा ठंड का मॉर्निंग है, तो ठंड के मॉर्निंग में सनी का पापा का तबीयत तो ठीक है नहीं, तो थोड़े लेट में ही उठते हैं, तो उठने को जगने को जग जाते हैं पर उठने में उनको बिस्तर से थोड़ा लेट हो जाता है। तो अब चलेंगे चाय बनाएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि दूध नहीं था और दूध वाले भैया का वेट भी कर रहे थे हम, और यहाँ पर दूध वाले भैया आ गए तो फिर हमने दूध लिया, और यहाँ चाय भी चढ़ा दिया है, अदरक वगैरह डाल देते हैं और पक जाएगा अच्छे से, क्योंकि चाय हमारा जब पक जाता है थोड़ा तभी मैं अदरक डालती हूँ, और शुरू में ही अदरक नहीं डालती हूँ, तो ऐसे भी चाय तो थोड़ा पक ही गया है, अदरक डालकर थोड़ा सा और पका लेंगे, तब तक हम जो छन्नी वगैरह हैं बर्तन के साइड से उतार लेते हैं, और कितना भी बर्तन धुलकर माँज कर रखेंगे फ्रेंड्स, लेकिन मेरा आदत है जैसे कि रात में हम बर्तन माँज कर रखते हैं, लेकिन मॉर्निंग में फिर उस पर चूहे चढ़े होंगे या क्या चढ़ा होगा उस बर्तन पे, तो इसीलिए मैं किसी भी बर्तन को उठाती हूँ तो फिर से उसको धुल लेती हूँ, और नहीं तो क्योंकि मेरा मन ही नहीं मानता है अगर नहीं धुलूँगी तो फिर अब वहाँ से चाय वाय पीने के बाद फ्रेंड्स मॉर्निंग का ही टाइम है, उसके बाद से मैं आ गई हूँ इस रूम में अपने मिट्टी के घर में, जहाँ पर हम दीवार वगैरह में मिट्टी लगाए हुए हैं, तो इस रूम का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है जब से बहू गई है इधर हम लोगों का आना ही नहीं हुआ, क्योंकि सारा वहीं से हमारा अंदर का ही काम रहता है, वैसे वो रहती थी तो अंदर का काम कोई मुझे करना ही नहीं पड़ता था, वो बिल्कुल ही मुझे अंदर का काम छूने ही नहीं देती थी, बाकी जितना भी हो है सब कर लेती थी, तो मैं इधर के काम को अपना अच्छे से निपटा लेती थी,
लेकिन अब वो नहीं है तो फिर उधर के काम भी देखने पड़ते हैं और इस रूम में मेरा आना ही नहीं हो पा रहा है क्योंकि मिट्टी का काम तो हमने अपना लगा दिया है, शुरू कर दिया है, लेकिन क्या करूँ, आना ही नहीं हो पा रहा है। तो बस इसीलिए आज मैंने कहा बस किसी भी तरह से यहाँ का मैं साफ़ सफाई करूँगी। काफ़ी गंदा हो गया था और इसी में देख सकते हैं ये धागा है जो कालीन बिनाई होता है, तो इसी धागे से पहले उसका जैसे शुरुआत होता है उसको फाना जाता है और उसके बाद से फिर उसी पे बिनाई होता है, तो यहाँ वो भी रखा था। और आलू हैं फ्रेंसेस, जैसे कुछ अच्छे आलू हैं जो छोटे छोटे हैं वो आलू ठीक हैं, और ये सब देख सकते हैं जम गया है आलू। पुराना सा आलू था, कोने में पड़ा था तो जम भी गया है, लेकिन जो सामने वाला आलू था वो नया था तो छोटा छोटा था तो ठीक ठाक था। हमने कहा फेंकने से क्या फ़ायदा है, उसको रख देते हैं अलग से, काम में ले लेंगे। जैसे दाल उल बनता है तो उसको उबाल कर फिर सब्जी वगैरह बन जाएंगे, जो ख़राब है उसको हम फेंक देते हैं। तो सारे आलू हम फेंक देंगे और इसके बाद से फिर झाड़ू उड़ू देने के बाद तो फिर चलते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि तुरंत से हम लिपाई नहीं करेंगे। अगर तुरंत से लिपाई करेंगे तो फिर नाश्ते वगैरह में भी लेट हो जाएंगे, तो उसका भी ध्यान देना पड़ता है। यहाँ पर साफ़ सफाई करने के बाद नहा लेते हैं, नहाने के बाद बच्चों को नाश्ता वगैरह बना कर देने के बाद से फिर थोड़ा सा जैसे टेंशन फ्री हो जाएंगे, उसके बाद से आराम से लगेंगे यहाँ लिपाई करने के लिए। और जैसे टेंशन लगा रहता है तो फिर ये होता है कि फटाफट से कर लो, और आराम से बच्चे लोग कुछ खाए होते हैं तो मुझे भी टेंशन नहीं होता है, तो फिर आराम से लिपाई पुताई होता है। और लिपाई पुताई का काम क्या है फ्रेंड्स, कि नहाने के पहले ही कर लो तभी ठीक है, नहीं तो फिर कितना भी बचाओ पर साड़ी वगैरह में थोड़े बहुत मिट्टी लग ही जाते हैं, तो क्या करें। अगर नहाने का जैसे हम सोचेंगे कि पहले ही कर ले तो बहुत लेट भी हो जाएगा। 7 बजे हम आप लोगों को दिखाए कि अंदर का जो भी है सारा, जैसे बर्तन धुलने का काम और किचन काउंटर वगैरह तो रात में ही क्लीन हो जाते हैं, उसके बावजूद भी मॉर्निंग में काफ़ी सारे काम होते हैं, जैसे झाड़ू हो गया, पानी भरना हो गया, और काफ़ी छोटे छोटे काम होते हैं निपटाते निपटाते, सब्जी वगैरह कट करना हो गया, नाश्ते में क्या बनाना है उसका तैयारी करना हो गया, तैयारी करके रखे रहते हैं तो फटाफट से हमारा बस नहाने के बाद बन भी जाता है। तो यहाँ पर अब देख सकते हैं आ चुके हैं, यहाँ दोपहर का टाइम है फ्रेंड्स, और आराम से नाश्ता वगैरह देने के बाद हमने लंच वगैरह भी बना लिया और फिर हम आराम से यहाँ कर रहे हैं लिपाई। और दीवार कितना ज़्यादा ख़राब हो गया है आप लोग भी देख सकते हैं, जितना मिट्टी लगाए थे, क्योंकि यहाँ अगर ये तो मिट्टी है फिर गिरेगा तो फिर से लगा लेंगे हम मिट्टी, लेकिन जब अगर हम प्लास्टर भी करवाते हैं ना तो फिर नीचे का दीवार ऐसे ही ख़राब हो जाता है। काफ़ी सीलन वाला एक जगह है जहाँ मैं रहती हूँ, बगल में ही तालाब है, आप लोग देखे ही हैं, उस वजह से या किस वजह से यहाँ काफ़ी दीवारों में सीलन भी रहता है, फ़र्श पे भी सीलन रहता है, तो फ़र्श भी कितना भी अच्छे से प्लास्टर वगैरह करवा ले पर फ़र्श भी जल्द ही ख़राब हो जाता है, और जैसे सीमेंट वगैरह उखड़ने लगते हैं उसके, और दीवार भी नीचे का बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो फिर देख सकते हैं, तो इसीलिए मेरे माइंड में आया था कि इस रूम को हम अगर इसमें मिट्टी लगाएंगे तो मिट्टी का कहाँ दिक्कत है, बगल में ही तालाब है, उसमें से मिट्टी निकालते रहेंगे और इसमें लगाते रहेंगे और देखेंगे कि गर्मी में, क्योंकि कहते हैं लोग कि जो मिट्टी का घर होता है काफ़ी अच्छा होता है, ठंडा सा होता है, तो फिर देखते हैं। अब इस घर में अभी थोड़ा सा मिट्टी का काम बाकी है फ्रेंड्स, जहाँ तक लगाए हुए हैं वहाँ नीचे का दीवार ख़राब हो चुका है, तो फिर उसको आज हम ठीक कर रहे हैं। इसमें मिट्टी तो नहीं लगा रहे हैं, बस लिपाई ही करते जा रहे हैं, आप लोग देख भी रहे हैं, क्योंकि मिट्टी निकालना अभी तालाब में जाना बहुत मुश्किल का काम है, और बिल्कुल भी जैसे टाइम ही नहीं है। और जो भी है काम हमने उस क्लिप को तो हटा ही दिया जो खाना बनाए लंच बनाए क्या हुआ, क्योंकि वीडियो हो जाता काफ़ी लेंथी, जब वीडियो हो जाता लेंथी तो आप लोग भी बोर होने लगते, तो इसीलिए हमने उस क्लिप को हटा दिया और इसके बाद से फिर सीधे अपने लिपाई पुताई के वीडियो को ही दिखा रहे हैं। और बार बार मैं कैमरे में ही क्यों देखती रहती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे लगा रहता है कि ऐसा ना हो कि फिर मेरा ऑटोमेटिक ही मोबाइल बंद हो जाए या कुछ भी, और कॉल भी आ रहा था किसी का, तो फिर इसीलिए मैं उसी पे नज़र मेरा था कि किसका कॉल आ रहा है। तो बस यहाँ से अब इस साइड का तो हो चुका है, बस ऐसे ही थोड़ा सा ठीक लगने लगा है फ्रेंड्स, लिपाई कर दे रहे हैं, क्योंकि बाल्टी में जितनी मिट्टी है उसी मिट्टी से हम एक बाल्टी मिट्टी भिगाए हुए थे, उतनी मिट्टी में ही पूरे नीचे का जो नीचे नीचे का दीवार है हमको बस पुताई करते चले जाएंगे।
और जब पुताई हो जाएगा तो काफ़ी थोड़ा सा देखने में अच्छा लगने लगेगा। और इस साइड का दीवार का मिट्टी तो काफ़ी एकदम ख़राब हो चुका है, नीचे गिर चुका है, तो वहाँ काफ़ी मिट्टी भी चाहिए। तो मिट्टी ज़्यादा भिगाए नहीं थे, हमने कहा अगर यहीं लगा देंगे तो सारी मिट्टी ख़त्म हो जाएगी, बस पुताई ही करते सीधे चले जा रहे हैं। और इस साइड का तो थोड़ा ठीक ठाक है, बस हल्का हल्का सा नीचे का नमी है और थोड़ा थोड़ा मिट्टी ही उखड़ी हुई है, नहीं तो बाकी नीचे का जितना भी मिट्टी का एक घर है पूरा नीचे का दीवार हमारा ख़राब हो चुका है। तो पूरे दीवार में नीचे हमको मिट्टी फिर से लगाना पड़ेगा। तो फिर देखेंगे, मिट्टी तालाब में जाएंगे लेने के लिए, लेकिन थोड़ा सा जहां हम दिखाए थे आप लोगों को पिछले ब्लॉग में, जो मिट्टी के यहाँ पर काम कर रहे थे, जहाँ से मिट्टी ला रहे थे, वहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो बाजू में तालाब है वो तो अभी सूखा ही नहीं है, तो थोड़ा सा दूर ही जाना पड़ता है। तो बस दिखाएंगे कैसे जा रहे हैं कहाँ, तो क्योंकि हमारे जो नए नए फ्रेंड्स जुड़ते ही रहते हैं तो फिर सभी को पता चल जाएगा, और जो पुराने फ्रेंड्स हैं वो लोग तो मिट्टी के काम को काफ़ी पसंद ही करते हैं, और इसीलिए जो भी काम है फ्रेंड्स हमारा भी अधूरा नहीं रहता है। आप लोग पसंद करते हैं तो हमारा जो काम, जैसे देख सकते हैं दीवार भी ख़राब हो रहा था, ऐसे सोचते कि आज करेंगे कल करेंगे, लेकिन आप लोग भी पसंद करते हैं तो मेरा भी हौसला बढ़ता है और जो भी काम है मेरा सारा काम भी फटाफट से होने लगता है और घर भी देखने में अच्छा लगने लगता है। तो फिर अब यहाँ पर हमारा इस साइड का दीवार पूरा कंप्लीट हो चुका है, बस यही कोने का बाकी है। तो अगर थोड़ा सा भी आज का आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, तो आप लोग सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के कमेंट से हमारा हौसला बढ़ता है। काफ़ी प्यारे प्यारे हमारे भाई बहन जितने हैं सभी लोग कमेंट भी करते हैं, और आगे भी आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बना रहे फ्रेंड्स, और आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए ताकि हम भी आगे तक बढ़ सकें फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है और सारे काम को, घर परिवार के जिम्मेदारियों को संभालते हुए फ्रेंड्स यूट्यूब में काम करना आसान नहीं है, वीडियो बनाना आसान नहीं है, क्योंकि हम अगर वीडियो बनाते हैं साथ साथ अपने काम को दिखाते हैं तो फिर हमारे काम में भी थोड़ा बहुत लेट होता ही होता है, क्योंकि अभी इस काम को हमको निपटाना है, यहाँ कैमरा सेट करेंगे, इसके बाद से फिर जो काम करेंगे उसको आप लोगों को दिखाते हैं, तो कैमरा तो अपना चलता रहता है, कोई भी काम करें तो उसमें टाइम लगता है, और उतने टाइम तक हमारा स्टैंड में ब्लॉग अपना बनता ही रहता है, फिर उसका एडिटिंग करने में भी काफ़ी समय लगता है। तो फिर प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे, आप ही लोगों के सपोर्ट से कुछ हो सकता है, हम आगे तक बढ़ सकते हैं, तो आप लोग सपोर्ट करिए फ्रेंड्स ताकि हम भी आगे तक बढ़ सकें। तो वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे फ्रेंड्स, और यहीं पे कर लेते हैं वीडियो को एंड, और मिलते हैं फिर किसी अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ कल। तब तक के लिए बाय बाय, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।